हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्विज। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्स मैन का टेस्ट सीरीज 17 लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज को फैमिली तथा फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही फ्रेंड, मेरा एक और नया YouTube चैनल है जीके जीएस क्वीन 2.0 के नाम से। तो प्लीज़ आप उसे सर्च करके उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मैं 2021 का घटना चक्र कंटिन्यू करवा रही हूँ कल से। तो प्लीज़ आप मुझे उस चैनल पे भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? वीडियो को पाउच करते हुए आंसर दें। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने सबसे पहली बार भाग लिया। और वे प्रतिनिधि का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? ऐसे तो मैं प्रीवियस सेट में आप लोगों को करवा ही चुकी हूँ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। कहाँ ये आयोजित होता था ये गोलमेज सम्मेलन? तो ये लंदन में आयोजित होता था फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लंदन से। जब वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे 1931 में, तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो पूरी तरह से असफल रहा था, यानी अनसक्सेसफुल रहा था। तो वे वापस खाली हाथ इंडिया लौट गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल रहा? क्योंकि वहाँ पर मतलब कि सांप्रदायिक व्यवस्था पर विवाद हो गया था, उसी की वजह से वो पूरी तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अनसक्सेसफुल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, यानी कौन सा मुद्दा था जिसकी वजह से वह असफल रहा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। फोर्थ नंबर, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भीमराव अंबेडकर जी लंदन गए थे। अब देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। तो ये हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के दौरान तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व थे महात्मा गांधी, जो पार्टिसिपेट होने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधीन निर्णय घोषित किया? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सोलह अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। डेट याद कीजिए, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। अब ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय में था क्या? तो इसके तहत ना फ्रेंड, पृथक यानी अलग से निर्वाचन पद्धति दलित लोगों के लिए भी लागू कर दी गई थी। दलित जो पिछड़े लोग थे, SC ST कैटेगरी में आते थे, तो उनके लिए भी मतलब कि अलग से निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था कर दी गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड के तहत सांप्रदायिक अधिनिर्णय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक यानी अलग से निर्वाचक समूह बनाया गया। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, और इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए। अछूत को ही दलित कहा जाता था पुराने जमाने में, तो अछूतों के लिए ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी?
इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों को आवंटित नहीं की थी अलग से निर्वाचक क्षेत्र। नेक्स्ट नाइन्थ की तरफ बढ़ रहे हैं कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक निर्णय के समय जब महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे तो वहीं से उन्होंने 20 सितंबर 1930 से आमरण अनशन करना शुरू कर दिया था, यानी अन्न जल को महात्मा गांधी त्याग दिए थे यरवदा जेल में होते हुए भी। किस दिन? तो 20 सितंबर 1930 ईस्वी से। टेंथ नंबर है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सींचें दी गई। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए और टेंथ का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रमशः 71 व 147, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सीटी दी गई थी दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक पंचांग के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूना पैक्ट संबंधित था, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दलित वर्ग से। 12 नंबर, श्री भीमराव अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूना समझौता। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी के समर्थकों एवं भीमराव अंबेडकर ने मिलकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच किस दिन हुआ था? तो 26 सितंबर, नोट कीजिए, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। बट अगर उसमें सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर की बात की जाए तो गांधी जी ने अपना हस्ताक्षर नहीं किया था उसमें, गांधी जी के समर्थकों ने किया था और भीमराव अंबेडकर ने किए थे ये दोनों ने मिलकर। कभी अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि गांधी जी और अंबेडकर ये दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए, तो आप उससे टिक मार्क नहीं आ जाएगा एग्जाम में, वो गलत हो जाएगा। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है पूना पैक्ट पर, गांधी जी के जो सपोर्टर थे, जो समर्थक थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। देखिए आ गया फ्रेंड कि मोहनदास करमचंद गांधी, जो एमके गांधी थे, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे बल्कि उनके सपोर्टरों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना इसके अध्यक्ष थे, स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे हरिजन सेवक संघ के, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, घनश्याम दास बिड़ला। 16 नंबर, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जीडी बिड़ला। 17th है कि 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जीडी बिड़ला। 18 नंबर, अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ, या फिर उसी का दूसरा नाम था हरिजन सेवक संघ, उसको महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। 19 है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, अगर आप बुक की बात करेंगे तो बुक में जो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया हुआ है, बट उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था सन 2000 ईस्वी में, तो उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के आयोग ने इसे भीमराव अम्बेडकर नहीं बल्कि बाबू जगजीवन राम माना है। क्या माना है? बाबू जगजीवन राम। तो आप सोच लीजिए कि बुक के अकॉर्डिंग तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी भीमराव अंबेडकर, बट ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तो उसके आयोग ने इसका जो सही आंसर है वो भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि बाबू जगजीवन राम को माना है। तो कहीं कहीं पर जो आंसर होते हैं फ्रेंड वो वैरी करते हैं और आयोग पर डिपेंड करता है कि वे कौन से आंसर को चूझते हैं, चूज करते हैं हमेशा। आप मतलब कि देखिएगा कि आयोग में किसी न किसी आंसर को लेकर, क्वेश्चन को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होता ही है।
तो ये तो बुक के अकॉर्डिंग में बतला ही दी। और आयोग ने क्या माना है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया तो उसने माना है बाबू जगजीवन राम को, बट बुक में इसका आंसर भीमराव अम्बेडकर ही दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट यहां से कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में एंट्री कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पटना में। सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस की बनाई गई थी, पटना में पहली बैठक हुई थी। 22 नंबर है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सन 1934 को पटना में पहली बैठक हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट 24, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जय प्रकाश नारायण। 25 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चूँकि बिहार एशियाई का एग्जाम आप देने के लिए जाने वाले हैं तो बिहार के बारे में थोड़ी जानकारी आपको बेहद ज़रूरी है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जय प्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 26 है कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकनायक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जय प्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। 27 है कि जय प्रकाश दिवस मनाया गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अप्रैल 1946 में जय प्रकाश दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट 28 की तरफ बढ़ रहे हैं कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे, तो वे एक समाजवादी थे श्री नरसिंह नारायण। 29, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बंगाल ने पूरा बहुमत नहीं प्राप्त किया 1935 के चुनाव के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहे हैं, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा विवाद आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो बुक के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो असम दिया गया है फ्रेंड, असम दिया गया है कि असम ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। बट उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का एग्जाम जो 2004 में कंडक्ट करवाया गया था तो उसके आयोग ने इसके आंसर को रद्द कर दिया, इसे क्वेश्चन को ही रद्द कर दिया गया था, क्योंकि इसका जो आंसर वे लोग बता रहे थे तो उनके अकॉर्डिंग असम के साथ साथ मुंबई, ये दोनों क्षेत्र थे, मुंबई और असम दोनों, और फिर एक क्वेश्चन का तो दो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन को रद्द करवा दिया गया था उत्तर प्रदेश पीसीएस के आयोग के द्वारा। बट बुक के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी असम। नेक्स्ट 31 है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5। 32, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। 33 है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं किया गया था, बाकी बिहार मद्रास व उड़ीसा में किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं 34 की तरफ, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 28 माह का कार्यकाल था। नेक्स्ट 35, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 के तहत कांग्रेस ने भू स्वामित्व यानी भूमि का जो स्वामित्व होता था उसको समाप्त करने की नीति अपनाई थी।
नेक्स्ट 36, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रफी अहमद किदवई को वित्त मंत्री यानी वित्त विभाग सौंपा गया था। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। बढ़ रहे हैं 37 की ओर कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था फ्रेंड, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। और हरिपुरा किस स्टेट में पड़ता है? तो वे गुजरात में पड़ता है। अब ये 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में हुआ क्या था? तो इसके तहत राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा कि 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, तो इस हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 38 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने। 39, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। मैं अभी जस्ट बताई कि हरिपुरा कहां किस राज्य में है, तो ये गुजरात में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जबलपुर, वहीं पर त्रिपुरी स्थित है जहां पर 1939 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करवाया गया था। और मतलब यहां क्या था कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, बट सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि मतलब कि त्रिपुरी अधिवेशन से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उनके त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां के अध्यक्ष बन जाते हैं त्रिपुरी अधिवेशन के। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरी अधिवेशन में। 42 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के दौरान जो महात्मा गांधी के काफ़ी करीबी दोस्त थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया था। नेक्स्ट 43 है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मैं जस्ट अभी बताई कि जब वे त्याग पत्र दिए थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बन गए थे, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। 44 की तरफ बढ़ रहे हैं कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जब कांग्रेस का मतलब कि अध्यक्षता थी सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया, तो उसके बाद वे फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी एक मतलब कि दल बैठाए थे, संगठन की स्थापना उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कहाँ की थी? तो कलकत्ता में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट 45 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी? मैं जस्ट अभी आपको बताई फ्रेंड कि 1939 में की थी, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। 46 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में। 47 है कि 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत सरकार तथा देसी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था, यही था बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य जो 1927 में आया था बटलर कमेटी। नेक्स्ट 48 की तरफ बढ़ रहे हैं कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सन 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो 49 का आप यहां पर ऑप्शन देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड यानी आंसर होगा 49 का, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 50, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सन 1947 में। 51, राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ वे थे?
इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राज्यों का विलयीकरण हुआ था। नेक्स्ट, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू व कश्मीर। तो चलिए 53 की तरफ बढ़ रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। किस वर्ष जम्मू कश्मीर भारत का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अभिन्न अंग बन गया? तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी 26 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी को। 54, भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ने। नेक्स्ट 55, निम्नलिखित देसी राज्यों में से कौन यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, हैदराबाद। हैदराबाद जो था वो यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर यानी उसके सपोर्टर था, हैदराबाद जो स्टेट है। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 56, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सपोर्ट करना। ये द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये योजना थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध किस दिन से स्टार्ट हुआ था? तो आप नोट करिए, 1 सितंबर 1939 ईस्वी में, मतलब ये इसी पार्टिकुलर डेट से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट 57 की तरफ बढ़ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बताई कि वे 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ था, बट वो समाप्त कब हुआ था? तो वो समाप्त हुआ था 1945 में फ्रेंड, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, 1945 में। 58 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट 59, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सन 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगर पार्टिकुलर डेट की बात करें तो वो आप नोट कीजिए, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस मनाया था। और इस मुक्ति दिवस का जब उन्होंने कार्यक्रम रखा था तो भीमराव अंबेडकर को भी पार्टिसिपेट किया था, यानी इनवाइट किया था, तो भीमराव अंबेडकर भी इसमें शामिल थे मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस के दिन, यानी 22 दिसंबर 1939 को। तो चलिए बढ़ रहे हैं 60 की तरफ। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सर मोहम्मद इकबाल ने। 62, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। 63, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू का यह कथन है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे वे हिंदू मुस्लिम को एक करके रखते थे, एक सूत्र में बांध कर रखते थे, इसीलिए सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। नेक्स्ट 64, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, यह वक्तव्य किसका था? तो देखिए, बुक का जो आंसर है फ्रेंड, वो बुक में लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बट नॉट, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक थी जिसके राइटर वे स्वयं थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसका जो पेज नंबर 352 है उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि जब मोहम्मद इकबाल हमसे मिलने के लिए आए थे, नेहरू जी से मिलने के लिए आए थे, तब मोहम्मद इकबाल ने ही मुझे कहा था कि नेहरू जी आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि मोहम्मद अली जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। तो आपको साबित हो गया, कन्फर्म हो गया कि मोहम्मद इकबाल का ये कथन था, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नहीं था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट 65 की तरफ बढ़ रहे हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था?
इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, खली कुजमा ने। 67, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वह कहाँ हुआ था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में हुआ था। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर वर्ष अधिवेशन होता था तो उसी प्रकार मुस्लिम लीग का भी हर वर्ष वार्षिक अधिवेशन होता था, तो यह लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 से 23 मार्च के दौरान 1940 में, 22 से 23 मार्च ये दो दिन हुआ था 22 और 23 मार्च 1940 को हुआ था, मतलब कि लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, तो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और यहीं पर दो राष्ट्र के सिद्धांत की मान्यता दी गई थी। तो चलिए 68 की तरफ बढ़ रहे हैं कि वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 मार्च 1943। नेक्स्ट 69 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। अब देखिए, विनोबा भावे तो पहले सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया तो दूसरे कौन थे? मैं जस्ट अभी बताई फ्रेंड कि दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 72 है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। अब क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में पढ़ रहे हैं कि 73 नंबर है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1942 में भारत क्रिप्स मिशन आया था। अब देखिए, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने 11 मार्च 1942 ईस्वी को, याद रखिएगा डेट 11 मार्च, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स नामक एक व्यक्ति था, उसी ने अपने टाइटल पर रख दिया है क्रिप्स मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ही क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। ठीक है, और वो भारत 1942 में आया था। 74 है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग, यह किसने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का था। नेक्स्ट 75, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? मैं जस्ट अभी आपको बताई फ्रेंड कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। और क्रिप्स मिशन को बनाया किसने था? तो स्टेफर्ड क्रिप्स नामक एक व्यक्ति ने बनाया था। किस दिन? तो 11 मार्च 1942 को। अब देखिए, क्रिप्स मिशन का विरोध महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में, बट कुछ महीने ही वह रहा, तकरीबन एक महीना, उसके बाद 1 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया। क्रिप्स मिशन जो था वो वापस कब ले लिया गया? तो 11 अप्रैल 1942 को, 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस ले लिया गया था। ठीक है, नोट करिए, वापस लिया गया क्रिप्स मिशन, वो डेट पार्टिकुलर है 11 अप्रैल 1942। नेक्स्ट 76, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट 77, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो चलिए, आप इसका इधर ऑप्शन देख लीजिए,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्धा में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मौलाना कबूल आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। 78 है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। 79 भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, यह मुंबई से शुरू हुआ था। 80 है यह कथन किसका है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है, तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के तहत यह कथन दिया गया था कि या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे, नहीं तो फिर उसके जो आज़ादी का जो हम लोग कदम उठा रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो क्रांति कर रहे हैं, उसमें स्वयं को विलीन कर लेंगे, यानी क्रांति मतलब समझ लीजिए कि स्वयं को उसमें समाप्त कर देंगे जब तक कि आज़ादी हम लोगों को नहीं मिल जाती, शहीद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये देखिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ना महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 82 है करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित है, मैं जस्ट अभी आपको बताई फ्रेंड कि ये अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था कि इस बार मतलब कि फाइनल हो जाना चाहिए, या तो आज़ादी ले लेंगे कर लेंगे या फिर डायरेक्ट शहीद हो जाएंगे मर जाएंगे। तो चलिए 83 है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट 84 निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो उपरोक्त सभी ने, इस ये तीनों पार्टियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया था, जैसे हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तथा यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये सब ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था। तो चलिए बढ़ रहे हैं 85 की तरफ, निम्नलिखित में से किसने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट अंग्रेजों भारत छोड़ो का आलेख बनाया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, महात्मा गांधी ने। 87 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए फ्रेंड 87 का आंसर। तो चलिए इधर ऑप्शन देखते हैं 87 का, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 88 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, हालांकि अधिवेशन नहीं हुआ था उस दौरान, बट वे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 89 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, उषा मेहता। उषा मेहता जो मतलब कि रेडियो था वो 14 अगस्त सन 1942 ईस्वी को मुंबई से सबसे पहली बार प्रसारित किया गया था, 14 अगस्त 1942 को कहाँ से, तो मुंबई से सबसे पहली बार उसी दिन उषा मेहता रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। तो चलिए बढ़ रहे हैं 90 की तरफ कि निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 91 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी विंस्टन चर्चिल। 92 अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका नाम क्या था, तो उस अमेरिकी पत्रकार का नाम था लुई फिशर, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 93 महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक अमेरिकी पत्रकार। नेक्स्ट 94 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, बांकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया तो कहाँ भेजा गया, किस जेल में, तो बांकीपुर जेल, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था,
तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में महात्मा गांधी को मुंबई में बंदी बनाया गया था। 96 है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आगा खान पैलेस में। नेक्स्ट 97 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं, हजारीबाग में जिन दो जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव कुमार और रामानंद। ये दोनों नेताओं का नाम था शिव कुमार तथा रामानंद, जिन्हें हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट 98 है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बिहार से जो रिलेटेड हैं जयप्रकाश नारायण, उनको एक राष्ट्रीय नेता का दर्जा प्रदान हुआ। नेक्स्ट 99 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जब जेल में बंदी बनाए गए तो वे जेल से फरार हो गए थे और फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित हो गए थे। तो लास्ट और 100 क्वेश्चंस है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पटना लाए गए थे श्री योगेंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को फैमिली तथा फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर से मैं बता रही हूँ फ्रेंड कि मेरा एक और चैनल है GKGS Queen 2.0, तो GKGS Queen 2.0 को आप जाइए और प्लीज़ उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर भी आप लोगों को मतलब कि घटना चक्र करवाया जा रहा है 2021 का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।